तुम्हारा रोज आओगी पढ़ने ना यहाँ आओगी सबको लेके ना गुड सेंटर फॉर सोशल चेंज एनजीओ आज इस नई पहल में हमारे एक पार्टनर एनजीओ के रूप में यहाँ आए हैं उन रिसोर्स पर्सन श्रीमती आकांक्षा सक्सेना द्वारा हमारे एनजीओस को एक ट्रेनिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के असेसमेंट स्टैंडर्ड्स में प्रशिक्षण दिया गया है एवं हमें अपनी सभी शिक्षा सामग्री जो अब वीडियो लेसन्स के रूप में उपलब्ध है वह दी जा रही है एनजीओस इस सामग्री को लैपटॉप्स पर दिखाकर बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग कंटेंट का एक्सपोजर दे सकेंगे और इन बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेने योग्य स्तर पर जल्द से जल्द ला सकेंगे हमें उम्मीद है कि एक वर्ष के अंदर हमारे एनजीओस के परिश्रम एवं प्रतिबद्धता के फलस्वरूप और बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से हम इन सभी बच्चों को सबसे नज़दीक के स्कूल में मेन स्ट्रीम कर थैंक यू सो मच मैम शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद अब सभी एनजीओस की ओर से मैं सेंटर फॉर सोशल चेंज की अध्यक्षा श्रीमती बानी बोरा जी से अनुरोध करती हूँ कि आप हमें संबोधित करें गौतम बुद्ध नगर जिले अतिरिक्त उपायुक्त उपायुक्त अतिरिक्त उपायुक्त महिला बिंदु शुक्ला जी आज के विशेष में उपस्थित सभी लोग कि हम एक ऐसे पुलिसिंग ढांचे का सृजन करें जो प्रत्येक दशा में किसी भी परिस्थिति में अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहे यही हमारा मूल मंत्र हो जिससे हम अपनी एक नई पुलिसिंग व्यवस्था इस क्षेत्र को देने का प्रयास करें और आज मुझे लगभग एक वर्ष दस माह बाद ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे साथियों ने इस मूल मंत्र को ढांचे में पिरोया और उसको एक मूर्त रूप दिया जो आज यहाँ दिखाई दे रहा है इसी मानवता के बोध ने इसी संवेदनशीलता ने एक ऐसे नोएडा का सृजन किया है जिसमें आज मुझे कुछ शब्द सुनने मिले कि अब लगता है कि ये नोएडा हमारा है नोएडा ये पहले भी आपका था आज भी आपका है और भविष्य में और भी अच्छे रूप में आपका ही होगा ये सब क्या है पूरा मामला ये सब पढ़े हमने नोएडा पुलिस ने कार्यक्रम शुरू किया है बाल शिक्षा वृद्धि को और नशा उपयोग को जो बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे उसको उसकी प्रभावी रोकथाम के लिए और इसमें हमने एक सर्वे किया था कि कौन से ऐसे स्लम्स हैं कौन सी ऐसी मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ से सबसे अधिक बच्चे बाल शिक्षा वृद्धि में जा रहे हैं वहाँ पर ड्रग यूज़ काफ़ी चल रहा है तो हमने 6 ऐसे बहुत बड़े बड़े स्लम्स चिन्हित किए हैं और इन 6 को हमने एक एक एनजीओ को आवंटित किया है तो 6 एनजीओस हमारे साथ पार्टनरशिप में हैं एवं जो सीएसआर में हमें जनपैक में सभी शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई है ब्लैक बोर्ड्स इन सभी लोकेशंस पे ऑल वेदर टेंट्स लगाए गए हैं कालीन बिछाए गए हैं जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं अपनी किताबें स्कूल बुक्स और उनको वीडियोज से लेक्चर सुनवाने के लिए लैपटॉप टीचर्स को जनपैक ये 6 एनजीओस और नोएडा पुलिस मिलकर सब पढ़े कार्यक्रम चला रहे हैं
और इसमें हमारी उम्मीद यही है कि जो बेसिक शिक्षा है वो बच्चों के रहने के स्थान पे ही उनको उपलब्ध कराई जाए, और एक साल के अंदर अंदर जब इनका एक बेसिक स्तर इस्टेब्लिश हो गया होगा तो हम इन्हें मेन स्ट्रीम करेंगे सबसे नज़दीक के स्कूल में इनका एडमिशन होगा। इसके साथ साथ हम इन सभी बच्चों की फेशियल मैपिंग भी करेंगे ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म डेटा बेस बन जाए इन बच्चों का, और पुनः भी इनको बाल भिक्षावृत्ति में और ड्रग यूज़ में अगर पाया जाता है तो इसकी रोकथाम की जा सके, प्रतिबंधित किया जा सके इस चीज़ को। ठीक है।